आशीष क्यों नहीं है, उमड़ना क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है कि बस मेहनत करे और बहुत थोड़ा फल मिलता है, मैं कुछ उत्पन्न क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्या गलत है, क्यों? हम प्रभु वचन में नहीं जाते क्योंकि इस तरह की जानकारी के लिए परमेश्वर के वचन को स्रोत नहीं मानते हैं। हम नहीं सोचते प्रभु हमसे बात कर सकता है, वो हमारा सृष्टि करता है दोस्तों, बता सकता है कि क्यों क्यों मेहनत है और आशीष नहीं है, वो बताएगा, वो धन में बहुत ही माहिर है, विश्वास कीजिए। परमेश्वर कोई दुख नहीं मिलाता, लेकिन वो हमें आशीष देकर धनी बनाता है। जब प्रभु आशीष देकर धनी बनाता है, उसमें दुख मिला नहीं होता है। दुख शब्द तो इसके लिए सही शब्द नहीं है, इसका बेहतर अनुवाद होगा कि वो उसमें दर्द मिलाकर नहीं देता है। वो उसमें दर्द मिलाकर नहीं देता, क्योंकि दर्द आया, पैसा कमाने में दर्द, दर्द जीविका कमाने में बहुत दर्द, ये सब आया मनुष्य के पाप के कारण। मेरे साथ देखिए उत्पत्ति अध्याय 3। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कहा राज्य करो, ये राजा के लिए होता है। मनुष्य को बनाकर सबसे पहले कहा कि राज्य करो, कह सकता था पवित्र बनो, सावधान रहो, स्वर्ग में आना, कुछ गड़बड़ी मत करना, ये कह सकता था, बहुत से विश्वासी कह सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा राज्य करो। क्यों? कुछ लोग सोचते हैं, भाई क्या आपको नहीं लगता पवित्रता जरूरी है, क्या आपको नहीं लगता हमें सावधान रहना है, ये जरूरी है। हाँ ये सही है, अगर आप राज्य करेंगे तो आप पाप पर भी राज्य करेंगे, आप बुरी आदतों पर भी राज्य करते जाएंगे। देखिए राज्य करने में सारी बातें आती हैं, पवित्रता और सारी बातें इस राज्य करने में आती है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग राजा हो जाएं, कहता है राज्य करो, यानी राज्य करो, अधिकार करो, तुम सारी बातों के ऊपर में प्रभु और स्वामी बन जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1:28 में कहा राज करो। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले यही कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहने के द्वारा वो मनुष्य के लिए से प्रकट करता है, वो चाहता है कि हर मनुष्य राजा हो। लेकिन फिर मनुष्य ने पाप किया। देखिए अध्याय 3:17, और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाऊं दर्द कहां से आया। यहां मनुष्य के भौतिक अस्तित्व में
और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, यानी बताइए किसकी बात सुनी? उसकी पत्नी की। अब ये पुरानी कहानी है, जानते हैं पुरुष जो है बड़े मांसपेशी वाले हैं, ऊंचे होते हैं, ताकतवर सामर्थ्य होते हैं और वो चिल्लाते हैं, कहते देखो मैं क्या करता हूं, लेकिन स्त्रियों में उनमें प्रभाव डालने की सामर्थ्य होती है। ये प्रभाव डालने की सामर्थ्य किसी भी मनुष्य को ऐसे ही शांत कर सकती है। मैंने देखा एक घर में एक भाई अपने बेटे के ऊपर बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, मैं तुम्हें बहुत जोर से पीटूंगा और ये और वो करूंगा, इस तरह से वो चिल्ला रहे थे। उसकी पत्नी ने आकर कहा चुप हो जाओ, और तुरंत वो चुप हो गए। अच्छे आदमी थे जानते हैं। वो तुरंत चुप हो गए और उससे भी बढ़कर उसने बेटे को देखा और अपनी एक उंगली दिखाई, और वो लड़का आता है, सीधा बैठता है, खाता है बिना कोई नखरे किए हुए, अपना नाश्ता कर लिया, और माँ ने बस उसकी ओर एक नजर से देखा और वो समझ गया। मैं सोचता हूं कई पन्नों तक उसने बता दिया। स्त्रियां इतनी सामर्थी हैं, इसे प्रभाव की सामर्थ कहते हैं। सारा ने अपने पति को प्रभु कहा और बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं, बहुत सी बहनों को ये पसंद नहीं, ये क्या है बाइबल में, ये तो स्त्रियों के बिल्कुल विरुद्ध में ऐसा है, ये स्त्रियों के विरुद्ध में। इससे देखो सारा ने अपने पति को प्रभु कहा, लेकिन सारा को देखी, वही तो मालकिन थी, उसके घर में जो भी उसने कहा वही हुआ। उसने कहा दूसरी स्त्री से संतान होने दो, उसने कहा ठीक है। और फिर जब ये अब्राहम का विचार नहीं था, सारा का विचार था, और उससे बच्चा होने के बाद में उसे वो स्त्री पसंद नहीं आई, और वो हाजिरा से जो संतान हुई उसे पसंद नहीं आई, तो कहे ने निकाल दो। अब्राहम ने कहा यस मैम, और जैसे इसने कहा निकाल दो तो इसने निकाल दिया। जंगल में वहां पर पानी के बिना बिल्कुल मरने पर थे, बस ऐसे निकाला। प्रभाव की सामर्थ। पिछले हफ्ते मैं दूसरे शहर में था और मैं भारत के बहुत ही सामर्थी परिवार के लोगों से मिला, और मेरी मुलाकात ऐसे ही उनसे हुई, और उन्होंने मुझे अपनी गवाही बताई कि वो कैसे प्रचारक बने। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये एक प्रचारक हैं, वो एक बहुत बड़े व्यापारी हैं लेकिन प्रचारक हैं। तो मैंने बड़ी जिज्ञासा से उनसे पूछा, आपने मसीह यीशु को कैसे स्वीकार किया? वो गैर मसीह परिवार से थे, लेकिन मैंने पूछा आप कैसे मसीह में आए? उन्होंने कहा मेरी पत्नी से। मैंने कहा ओहो, ये इसी तरह होता है। देखिए एक स्त्री थी जो प्रभावी थी, उसने सही तरीके से उपयोग किया। उसने कहा मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था, हमारी शादी के पहले हम प्यार करते थे, और वो हमेशा मुझे यीशु के बारे में बताती थी, इस तरह से मैं यीशु के पास आया, और अब उससे ज्यादा मैं प्रचार करता हूँ और मैं सेवकाई में अच्छे से जुड़ा हूँ। यानी स्त्रियां बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं और अपने प्रभाव का सामर्थ्य रीति से उपयोग कर सकता है। इसलिए जब यीशु यहाँ मुर्दों में से जी उठा तो पहले स्त्रियों को बताया, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया जानेगी। बस उस स्त्री के सामने खड़े रहकर कहना था, सभी को पता चल जाना था, चिंता करने की जरूरत नहीं। जानते हैं अगर उनसे कहे किसी को मत बताना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरूर बताएंगे। चेलों को उसने कहा पूरे संसार में जाओ, चेले बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन ये जाकर बहुत ही जल्दी से चेले बना देती हैं। ठीक है, अब इसे सुनिए। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखिए दुख शब्द जो हमने देखा था नीति वचन 10:22 में कि वो दुख मिलाकर नहीं देता, ये दुख कहां से आता है? पहली बार ये कहां पर आया? ये पहली बार तब आया जब मनुष्य ने पाप किया, ये भीतर आया। परमेश्वर कह रहा है कि तुमने खुद पर श्राप लाया है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बैठा श्राप भेजते रहता है, नहीं। प्रभु ने कहा मैंने सिद्धांत रखा, मैंने कहा इसका फल नहीं खाना, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे, तुम श्रापों को लाओगे। तो उसने फल खाया, उसने आज्ञा भंग की। प्रभु नियम से काम करता है, वो छड़ी लेकर बैठा नहीं है कि निर्णय ले कि इसे मारेगा और आज इसे आशीष देगा और ये सब, नहीं, ऐसे नहीं करता है, ऐसे नहीं। जानते हैं यानी जैसे मन में आए वैसे उसने कुछ नियम बनाए हैं। उसने कहा मैंने नियम बनाया कि तुम्हें इस एक पेड़ का फल नहीं खाना है, अगर खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे, जिस दिन खाओगे उसी दिन मरोगे।
देखिए, आदम तभी गिरकर नहीं मरा लेकिन मृत्यु उसके भीतर में आ गई। मृत्यु तो कोई भी बुराई है। ये तो पहले शारीरिक मृत्यु है, फिर अनंत काल की मृत्यु जो कि परमेश्वर से हमेशा अलग होना है। लेकिन कोई भी बुराई मृत्यु है, कोई भी अच्छाई जीवन है। बाइबल यही सिखाती है, जो भी अच्छा है वो जीवन है, जो बुरा है वो मृत्यु है। यानी मृत्यु उसी दिन आ गई। तो फिर अब परमेश्वर कहता है, देखो तुमने क्या किया, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा क्योंकि भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। फिर कहता है, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। अदन की वाटिका में कोई कांटे ऊंट कटारे नहीं थे, केवल जो बोया वही बढ़ा। प्रभु ने कहा, तुम्हें ऐसे और पेड़ चाहिए, हर फल में ऐसे बीज हैं, हर एक फल में वैसे ही बीज हैं, तुम्हें और ज्यादा पेड़ चाहिए तो उसे लो बो और वो बढ़ेंगे। जानते हैं, बढ़ने में समस्या नहीं थी। जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे तुम भी कहो, सब बढ़ेगा। 25 साल पहले मुझे याद है टेलीविजन पर दिखाया कि कैसे कुछ अमेरिकन ने खोजा कि जब हम किसी पौधे से बात करते हैं, अच्छे से उससे हम बातें करते चले जाते हैं तो वो फलते हैं और बढ़ते जाते हैं। सबने कहा, मेरे प्रभु उन्होंने खोज की है। खैर, अगर बाइबल के पहले 2 अध्याय पढ़ ले तो इसकी खोज हो जाती हजारों साल पहले ही। बाइबल पहले से ये बताती है, अदन की वाटिका में सब ऐसे ही बढ़ रहा था। प्रभु ने कहा और सब कुछ अस्तित्व में आया। ये सब ऐसे ही तो अस्तित्व में आया। आदम ने वहां गड्ढे नहीं खोदे, बड़ी मेहनत करके पसीना बहाया, ये सब नहीं। वो राज्य अधिकार कर रहा था अपने शब्दों के द्वारा। ये इसी तरह से सब चल रहा था। लेकिन अब उसे सबके लिए गड्ढा खोदना था, अब उसे फावड़ा लेकर जाना था, काम करना था, उसे मेहनत करनी थी, पसीना बहाकर सब करना था। तो ऊंट कटारे आ गई। ऊंट कटारे ऐसी बहुतायत से बढ़ती, कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ नहीं करे तो ऊंट कटारे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बढ़ाना है तो काम करना है, बीज बोना है, पानी देना है, ये और वो सब कुछ करना है। ऊंट कटारे ऐसी बहुत बढ़ती हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती जाती हैं। तू खेत की उपज खाएगा, अब देखिए वचन 19, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि उसी में से तू निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, कैसा वाक्य है, तू पसीना बहाएगा और उसी से खाएगा। अब बहुत से लोग पसीना बहाने को बड़ी बात मानते हैं। पुरुषों को बातें करते देखिए, वो कहेंगे, जानते हैं मैं पसीना बहाता हूं सुबह से रात तक और अपने परिवार के लिए पैसा कमाता हूं, मैं बड़ी मेहनत करता हूं और मैं ये और वो करता हूं परिवार के लिए, और इसी तरह हम जीविका कमाते। लेकिन प्रभु ने कभी भी, उसने कभी भी नहीं जोड़ा प्रयोजन को काम के साथ। जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य काम करने के कारण नहीं खा रहा था। मनुष्य को काम दिया गया लेकिन उसका काम और उसका प्रयोजन जुड़ा नहीं था। यह ऐसा नहीं कि वो काम कर रहा था इसलिए खा सकता था। प्रयोजन तो पहले से दिया गया। प्रभु ने उसे 3 चीजें दी। एक, उसे संगति दी, यानी मनुष्य प्रभु की संगति में चलता था, प्रभु से बातें करता, उसके साथ चलता, प्रभु की योजना जानता था, प्रभु क्या करवाना चाहता था, ये सब यानी संगति थी। दूसरी बात जो उसे दी गई थी वो था काम। उसे काम दिया, उसने कहा यह अदन की वाटिका है, ये तो केवल एक सैंपल है, ये पूरी पृथ्वी का एक छोटा सा भाग है, अब तुम इससे लो, ये एक सैंपल है, इसे डुप्लीकेट करो, इसके अनुसार बनाते चले जाओ, इसे फैलाओ, पूरी पृथ्वी को ऐसे भर दो, सब कुछ अदन की वाटिका जैसे बनाओ, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे तेरे हाथों में देता हूं, जहां तक कि तेरी आंखें देख सकती हैं, तू जहां भी जाना चाहे, जितने दूर तक जाना है तू इसे बढ़ा सकता है, इसे बढ़ाओ, ये तुम पर है, ये सब तुम्हारा है, अदन की वाटिका के जैसे बनाकर इसका आनंद उठाओ। प्रभु ने उसे ये काम दिया था। और तीसरी बात, उसने उसे प्रयोजन दिया, जो भी उसे स्रोत के रूप में कभी चाहिए था कि इसे करे, मनुष्य को दिया गया। मनुष्य से ये नहीं कहा कि तुम काम करोगे तो तुम खाओगे, नहीं, काम और प्रयोजन आपस में जुड़े नहीं थे। ये नहीं कहा कि तुम काम करने से जीविका बनाओगे, नहीं, पर कहा गया मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। आमेन। धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। तो आदम कैसे जीवित रहा? वो विश्वास से जिया, प्रभु पर विश्वास से जिया, उसके साथ संगति के कारण जिया। जो भी वो कभी चाहता था वो सब कुछ पहले से ही वहां पर है। ये ऐसा नहीं था कि काम किया और फिर खाया। काम और प्रयोजन आपस में जुड़े नहीं थे। लेकिन जब उसने पाप किया तो बिल्कुल पहली बार
काम और प्रयोजन आपस में जुड़ गए। काम और प्रयोजन आपस में जुड़ गए। अब यह विख्यात कहावत है, जीविका के लिए क्या करती हो। देखिए, जीविका के लिए क्या करते हो, और हम घमंड से कहते हैं कि हां मैं जीविका के लिए ये करता हूं। कोई नहीं कहता मैं विश्वास से जीता हूं, क्योंकि कोई भी विश्वास से जीने के बारे में नहीं जानता है। हम बाइबल की सच्चाई से इतने दूर चले गए, हम परमेश्वर के असली मकसद से इतने दूर चले गए हैं, हम खो गए हैं। और अभी तो हम तो श्रापित दशा के इतने आदि हो चुके हैं, तो हम जीविका के लिए काम करने पर विश्वास करते, विश्वास से जीने पर विश्वास करने से भी बढ़कर। इस चर्च में हम विश्वास से जीने पर शिक्षा देते हैं, हम विश्वास से जीते हैं, हम विश्वास के बारे में सिखाते हैं। आपको विश्वास से जीना शुरू करना है। अब इसका यह मतलब नहीं कि काम नहीं करना है। शायद कुछ लोग आज मुझे सुने और कहें कि प्रभु की स्तुति हो, आज मैंने पास्टर सैम का संदेश सुना, उन्होंने मुझे काम से छुटकारा दिया, तो मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं इसे सिखा रहा हूं तो आप पागल हैं, और मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि यह सिखाऊं कि काम गलत है। नहीं, प्रभु ने काम दिया, लेकिन काम और प्रयोजन आपस में जुड़े नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, काम और प्रयोजन आपस में जुड़े नहीं थे। तो फिर प्रभु ने काम क्यों दिया? क्या उद्देश्य था? कि मनुष्य खुद को खोज निकाले, वो अपनी योग्यता, वरदान और खासियत को ढूंढ निकाले, और वो सब जो परमेश्वर ने उसके अंदर रखे हैं, और फिर उसकी खोज में वो आनंद प्राप्त करेगा, वो बड़ी खुशी पाएगा, खोजेगा कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है, उसमें वो आनंदित होगा। मनुष्य को आनंद के लिए काम दिया गया था, कि वो बस वहां पर वाटिका में बैठे न रहें, कि कुछ भी काम न करें। नहीं, उसे काम दिया गया था कि वो वहां पर जो भी करता उसमें आनंदित हो जाए, ताकि वो काम करते हुए आनंद पाए। अब ये विचारधाराएं आज सुनी नहीं जाती हैं। हम काम को कोसते हैं, हाँ, काम के बारे में भला बुरा कहते, और ये बहुत ही सामान्य है। विश्वासी भी यही कहते हैं, संडे चर्च में आकर हालेलुया गाते, सोमवार से शनिवार काम को कोसते रहते, ये कौन सा काम है, ये बॉस तो सबसे बुरा बॉस है, ये जो तनख्वाह देते हैं ये तो आधे महीने तक भी हमारे लिए काफी नहीं होती है। हम बस ऐसे ही कहते चले जाते हैं अपने काम के बारे में, क्योंकि काम से नफरत करते हैं। काम प्रयोजन से जुड़ा है। अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। काम नहीं तो किराया नहीं दे सकेंगे, काम नहीं करें तो खाना नहीं मिलेगा। यदि आप कोई काम नहीं करते हैं तो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते। अब काम प्रयोजन से जुड़ गया है हमारे मन में, हम कभी इससे आजाद नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा काम को प्रयोजन के साथ में जोड़ते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करने वाला है। हमारे मन में इस श्रापित संसार में काम प्रयोजन से जुड़ा होता है, और इसलिए हम काम से नफरत करते हैं, काम के लिए तिरस्कार रखते हैं। कई बार बहुत से लोग रिटायरमेंट की राह देखते हैं, क्योंकि काम करके थक चुके हैं। मैं जानता हूं, एक भाई ने 10 साल की कम उम्र बताई सरकारी नौकरी में। उन दिनों में बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते थे, तो ये गए सिलेक्शन कमेटी के पास। उन्होंने डॉक्टर के पास भेजा और उन्होंने इनके दांत जांचे, और इन्होंने कहा मेरी उम्र ये है, यानी 10 साल कम, ताकि 10 साल ज़्यादा काम करे। वो लालची थे, कहा 10 साल और ज़्यादा काम करूँगा रिटायरमेंट के समय से, और कमाते रहूँगा। और जब रिटायरमेंट की असली उम्र आ गई तो वो खड़े होकर काम पर भी नहीं जा सकते थे। तो जाकर ऑफिस में बताया, देखो मैंने अपनी गलत उम्र बताई है, 10 साल कम बताई, अभी मुझे रिटायर कीजिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम्हें काम पर आना होगा, 10 साल काम करो फिर रिटायरमेंट मिलेगा। तो उन्हें जाना पड़ा, 10 साल काम करना पड़ा, ऐसी दशा में जब कुछ नहीं कर सकते थे, और फिर रिटायर हुए। लोग रिटायरमेंट की राह देखते हैं ताकि यहां पर उन्हें काम करना बंद करना पड़ता है, कि वो काम करना बंद करे और खा सके काम के बिना। वो कहते हैं ओ वो दिन कब आएगा कि मैं बस बैठकर खा सकूं, वो इसी तरह सोचते हैं। लेकिन बात यह है कि शुरू में परमेश्वर ने कभी काम को प्रयोजन के साथ में नहीं जोड़ा। प्रभु प्रयोजन करता है, काम आनंद के लिए है। जब आप इस ढांचे में वापस आते हैं, जब आप इसके अनुसार करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप सारे चिंता और डर से आजाद हो जाएंगे। आप जैसे प्रभु चाहता है वैसे ही जी पाएंगे। अब मेरे साथ में देखिए लूका अध्याय 5 में एक और वचन है जो हमने देखा है। चलिए फिर से देखते हैं, लूका 5 वचन 1 से आगे पढ़ते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था,
वचन दो कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, तो वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, उसने कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, हमारे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। उसने ये क्यों कहा? अगला वचन कारण बताता है। उसे बहुत अचंभा हुआ और उसके सभी साथियों को, क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से वो चौंक गए थे। आप ये कहानी जानते हैं। यीशु यहां पर आता है गन्नेसरत की झील के पास और वहां पर दो नाव देखता है, और यहां पर ये लोग जाल धो रहे थे दिन के समय। रात को कोशिश की लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ी। जाल धो रहे थे कि घर चले जाए। जब कोई पैसा नहीं कमाया तो घर जाते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि पत्नी को पैसा चाहिए। देखिए, तो ये लोग जाल धो रहे थे, देरी कर रहे थे, और यीशु आता है, कहता है, तुम्हारी नाव से प्रचार करूंगा, इसे पानी में ले चलो। तो वो पतरस की नाव में सवार होता है और प्रचार करने लगता है। बड़ी भीड़ आकर प्रभु वचन सुनती है। उसके प्रचार के बाद यीशु जो कुछ उसे दिया उसे खाली नहीं लौटाता, जैसे उसे दिया गया वो उसे भर कर लौटाता है। पतरस ने खाली नाव दी थी, यीशु उसे भर कर देना चाहता था, तो उसने कहा, पतरस यहां आओ, अपने जाल गहरे में डालो। पतरस का उत्तर तो ये था, पतरस ने कहा, हमने सारी रात मेहनत की। वचन 5, हमने सारी रात परिश्रम किया। मुझे अनुवाद पसंद है, हमने मेहनत की मतलब परिश्रम किया। हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। देखो, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं मिला, एक मछली भी नहीं। मतलब क्या, पूरी झील में कोई मछली नहीं थी, बहुत सी मछलियां थी। लेकिन उसने कहा, हमने सारी रात मेहनत की, हम मछुआरे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हाँ, कुछ भी हो, तेरे वचन पर मैं अपने जाल डालता हूं। देखिए, इसमें एक अच्छी बात थी। वो कहता है, ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की अपने महारत से, लेकिन मैंने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन अब मैं इसे करूंगा तेरे वचन के कारण। देखिए, हम में से बहुत से लोग मेहनत में अच्छे हैं और हम मेहनत करते रहते हैं। यही तो बात मैं नहीं समझता हूं। देखिए, इस साल मेहनत करते हैं, अगले साल भी मेहनत करते हैं, 10 साल बाद भी मेहनत करते रहते हैं, 20 साल के बाद भी मेहनत करते रहते हैं। हम कभी परमेश्वर के वचन को देखकर ये नहीं कहते कि मेरे प्रभु, मेरा जीवन जो है मेहनत से ही क्यों भरा हुआ है, आशीष क्यों नहीं है, उमड़ना क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है कि बस मेहनत करे और बहुत थोड़ा फल मिलता है, मैं कुछ उत्पन्न क्यों नहीं कर रहा हूं, क्या गलत है, क्यों हम प्रभु वचन में नहीं जाते? क्योंकि इस तरह की जानकारी के लिए परमेश्वर के वचन को स्रोत नहीं मानते हैं। हमने सोचते प्रभु हमसे बात कर सकता है, वो हमारा सृष्टि करता है दोस्तों, बता सकता है कि क्यों क्यों मेहनत है और आशीष नहीं है। वो बताएगा, वो धन में बहुत ही माहिर है, विश्वास कीजिए, वो सभी फाइनेंस मिनिस्टर से बहुत ही उत्तम है। वो बताएगा जीवन में ऊपर कैसे आए। यदि आप प्रभु के पास में आकर अपना दिल उसके लिए खोले, वो पल भर में आपको दिखाएगा कैसे अपने जीवन को असफलता से सफलता में बदलते जाएं। Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to
to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. With one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah.